आई थिंक यार हम एक्टिंग करते हैं, हम रोज़ एक कलाकार हैं, एंटरटेन करते हैं, और कभी कभार एक ऐसा मौका आता है जहाँ पे हम कुछ अपनी तरफ से कुछ शायद इतना कुछ कर नहीं सकते, लेकिन एटलीस्ट हम अपने वॉइस को आगे बढ़ा के ये कर सकते हैं कि जो मैम है हमारी, जो इतना अच्छा एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया है, आई थिंक वी कैन डू एटलीस्ट दिस मच टू हेल्प। एक्चुअली सोशल एक्टिविटीज़ मेरी एनजीओ ऑलरेडी करती है, और सोशल एक्टिविटीज़ करते करते इतना बड़ा हादसा हमारे साथ हुआ, वो भी हिंदू राष्ट्र है, हमारे पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर नेपाल देखा जाए तो हमारे लिए हिंदू राष्ट्र है, तो क्यों ना अगर हम अपने आप को हिंदू बोलते हैं, हिंदुस्तानी बोलते हैं, तो हम लोगों ने इस चीज़ को लेके करना चाहिए। मैं बहुत इंप्रेस्ड हूँ, बहुत प्राउड हूँ, भारत सरकार ने इमीजिएटली बहुत कुछ किया है। मैं ये लिस्ट जानता नहीं हूँ कि कितना कितना उन्होंने पैसे दिए हैं, कितनी फंड हो गई है उनकी, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि न्यूज़ चैनल्स को देख के काम हो रहा है, बहुत लोग कर रहे हैं। मेरे दोस्त जो वहाँ से सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे बात करते हैं, बहुत काम चल रहा है, बहुत सी इमारतें वापस बन रही हैं। एंड एज एन एक्टर, एज एन एंटरटेनर, एज एक छोटा सा वॉइस, मैं यहाँ पे सिर्फ ये कहने आया हूँ कि ये कहीं भी हो सकता है, जस्ट एक हाथ बढ़ाने की मतलब देरी है, एंड आई एम जस्ट डूइंग दैट। नहीं, आई थिंक एक बहुत ही अच्छी एक प्लेटफॉर्म है, और ऐसा प्लेटफॉर्म जहां हमें ये चांस मिल रहा है, बहुत कम को एक्चुअली इतना चांस भी मिलता है कि वो आगे आप सबके सामने आके कह सकें कि भैया हम कुछ कर रहे हैं, आप भी करिए। और ये ज़रूरी नहीं है कि हम दिखाएं कि हम कितना कर रहे हैं, बबीता जी इतनी, और करण यू नो जितना ये लोग कर रहे हैं, मेरा यहाँ आना एक उसका एक पहलू है, एक उसका पार्ट है, एंड आई एम प्लेइंग दैट पार्ट, सो आई एम वेरी प्राउड एंड थैंक यू। एक्चुअली उस वक्त जब हम लोग की बात हुई थी, उस वक्त बहुत ही फ्रेश ये यू नो ये हादसा हुआ था, तो उस वक्त हम सभी बहुत ही चिंतित थे, और आज भी हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये होता है कि न्यूज़ जो होती है वो एक महीने तक चलती है, उसके बाद फिर दूसरी आ जाती है, लेकिन जो डैमेज वहाँ हुआ है वो एक महीने में सॉल्व नहीं होगा, तो इसलिए ये इवेंट हम अभी कर रहे हैं इस वक्त, और आप कहीं नहीं सुन रहे हैं कुछ हो रहा है, क्योंकि वो न्यूज़ चैप्टर हो गया है। सो या नहीं, मैंने इनफैक्ट नेपाल